हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस के बारे में, जो वाया बीना होकर चलती है। अगर आपने कभी भी सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ट्रेन कैसी है और आपका ट्रेन एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस, जो वाया बीना होकर चलती है। वैसे सोमनाथ से जबलपुर के बीच में ये जो ट्रेन है हफ्ते के सातों दिन चलती है, बट दो दिन जो है वाया बीना होकर चलती है और बाकी पाँच दिन जो है वो वाया इटारसी होकर चलती है, सोमनाथ से जबलपुर के बीच में। हम बात करेंगे जो वाया बीना होकर चलती है ट्रेन के बारे में। सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है, इस ट्रेन का नंबर है 11465। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और ये हर सोमवार और शनिवार को सोमनाथ से जबलपुर के लिए रवाना होती है वाया बीना होकर, और ये 31 घंटे 50 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 49 स्टेशन है और 1557 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसके एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाएगा। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है उसका टिकट किराया बताऊंगा, वो कोचेस वाइज बताऊंगा कि सोमनाथ से जबलपुर तक उसका टिकट किराया क्या है और उसमें कौन कौन से चार्ज। आगे हम इसके टिकट किराए के बारे में बात करेंगे कि सोमनाथ से जबलपुर के बीच में ये जो ट्रेन चलती है उसके कोचेस का किराया क्या है। फर्स्ट एसी का जो सोमनाथ से जबलपुर तक का जो वाया बीना होकर किराया है वो टोटल किराया है वो है 4200 रुपये, जिसमें 3940 रुपीज़ तो बेस फेयर है, बाकी 200 रुपये इसमें GST चार्ज है और 60 रुपये के करीब जो है इसमें रिजर्वेशन चार्ज है। इसके अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है, इसमें सेकेंड एसी का कोच भी हैं। सेकेंड एसी का जो सोमनाथ से जबलपुर तक का जो किराया है वो है तकरीबन 2470 रुपये, जिसमें 2302 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, 118 रुपये जो है वो GST चार्ज है, बाकी अन्य कोई इसमें चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है, इसमें थर्ड एसी के कोच भी है। थर्ड एसी का जो सोमनाथ से जबलपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 1705 रुपये, जिसमें 1583 रुपये तो बेस फेयर हैं, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है और 82 रुपये जो है इसमें GST चार्ज है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में भी कोच है, स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। तो सोमनाथ से जबलपुर तक का जो किराया है इस स्लीपर क्लास का 640 रुपये के करीब, जिसमें 620 रुपये तो बेस फेयर है, 20 रुपये इसमें रिजर्वेशन चार्ज है और कोई इसमें चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है, इसमें तकरीबन 4 से 5 जो है जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं, जिसका किराया जो है सोमनाथ से जबलपुर तक का वो है तकरीबन 360 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है उसका टाइम टेबल क्या है और उसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं सोमनाथ गुजरात से जबलपुर मध्य प्रदेश तक। सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है हर सोमवार और शनिवार को ये सोमनाथ स्टेशन से सुबह 9:30 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और इसके तकरीबन 49 स्टेशन हैं। 31 घंटे 50 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और तकरीबन 1537 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो अपने दूसरे स्टेशन वेरावल जंक्शन में सुबह 9:40 पर पहुँचती है और 9:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 5 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मलिया हटियाना स्टेशन में पहुँचती है सुबह 10:22 पर और 10:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 35 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो अपने चौथे स्टेशन केशोद में पहुँचती है सुबह 10:50 के करीब और 10:50 पर ही वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 52 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो अपने पांचवें स्टेशन पे पहुंचती है। पांचवां स्टेशन है इसका जूनागढ़ जंक्शन, यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 11:24 पे पहुंचती है और 11:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 87 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। अपने छठे स्टेशन पे सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है जैतलसर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:52 पे और 11:57 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर
5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। वीरपुर में ट्रेन जो है दोपहर के 12:13 पे पहुंचती है और 12:14 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो गोंडल स्टेशन में पहुंचती है। गोंडल गुजरात में ये दोपहर के 12:31 पे पहुंचती है और 12:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। भक्ति नगर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 1:44 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 184 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है, ये सोमनाथ से भक्ति नगर गुजरात तक। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो राजकोट जंक्शन में पहुंचती है। राजकोट जंक्शन में दोपहर के 1:58 पे पहुंचती है और 5 मिनट बाद 2:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 190 किलोमीटर की यात्रा जो है ये सोमनाथ से राजकोट गुजरात तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वनखानेर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 2:47 पे और 2:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। वनखानेर जंक्शन के बाद ये थान स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:09 पे और 5:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 13वें स्टेशन सुरेंद्र नगर जंक्शन में दोपहर के 3:48 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 306 किलोमीटर की दूरी जो है ये यहां तक कवर कर चुकी होती है, सोमनाथ से सुरेंद्र नगर जंक्शन गुजरात तक। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है वो विरंगम जंक्शन गुजरात में शाम के 5:11 पे पहुंचती है और 5:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 372 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चांदोलिया स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:53 पे और 5:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद जंक्शन में पहुंचती है, अहमदाबाद जंक्शन में ये शाम के 6:30 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन चेंज होता है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो महमदाबाद खेड़ा रोड में शाम के 7:40 के करीब पहुंचती है और 7:41 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। नादिया जंक्शन गुजरात में ये ट्रेन जो है शाम के 7:55 पे पहुंचती है और 7:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है आनंद जंक्शन गुजरात में रात के 8:15 पे पहुंचती है और 8:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, चार नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 502 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। छायापुरी गुजरात में ट्रेन जो है रात के 9:08 पे पहुंचती है और 9:13 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। डेरोल गुजरात में ये ट्रेन जो है रात के 9:51 पे पहुंचती है और 9:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 575 किलोमीटर के करीब जो है दूरी अपनी कवर कर चुकी होती है। डेरोल स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है DRL। उसके बाद अपने 22वें स्टेशन पे सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो गोधरा जंक्शन गुजरात में रात के 10:51 पे पहुंचती है और 10:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। अपने 23वें स्टेशन दाहोद गुजरात में ये ट्रेन जो है रात के 11:52 पे पहुंचती है और 11:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, तीन नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 672 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गुजरात से मध्य प्रदेश में एंटर करती है। मध्य प्रदेश के पहले स्टेशन मेघनगर में ट्रेन जो है रात के 12:17 पे पहुंचती है और 12:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 25वें रतलाम जंक्शन जो कि मध्य प्रदेश का इस ट्रेन का दूसरा स्टेशन है यहां पर ये ट्रेन जो है रात के 1:40 पे पहुंचती है और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 786 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RTM। उसके बाद ये ट्रेन जो है खाचरोड स्टेशन में पहुंचती है। खाचरोड मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है खचरोड में ये रात के 2:07 पे पहुंचती है और 2:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर
दो मिनट का स्टॉप है और दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश में ये रात के 2:32 पे पहुंचती है और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 827 किलोमीटर की यात्रा जो है ये सोमनाथ से नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश तक कवर कर चुकी होती है। नगदा जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है NAD। नगदा जंक्शन जो है इस ट्रेन का 28वां स्टेशन है। उसके बाद ये ट्रेन जो है उज्जैन जंक्शन में पहुंचती है। उज्जैन जंक्शन मध्य प्रदेश में ये सुबह 3:40 पे पहुंचती है और 3:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 882 किलोमीटर की यात्रा जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उज्जैन जंक्शन का कोड है UJN। तराना रोड मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 4:15 पे पहुंचती है और 4:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 914 किलोमीटर के करीब जो है ये सोमनाथ से तराना रोड की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 30वें स्टेशन मक्सी जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 4:54 पे पहुंचती है और 4:56 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बेरछा मध्य प्रदेश में ये सुबह 5:10 पे पहुंचती है और 5:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। बेरछा में ये एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 943 किलोमीटर की दूरी जो है ये सोमनाथ से मक्सी जंक्शन बेरछा तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 32वें स्टेशन काली सिंध में पहुंचती है। काली सिंध मध्य प्रदेश में ट्रेन जो है सुबह 5:24 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। काली सिंध में इसका 1 मिनट का स्टॉप है और 955 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। और काली सिंध का जो स्टेशन कोड है वो है KSH और ये इसका 32वां स्टेशन है। उसके बाद 33वें स्टेशन अकोदिया मध्य प्रदेश में ये ट्रेन जो है सुबह 5:40 पे पहुंचती है और 5:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 973 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है वो सुजालपुर में पहुंचती है सुबह 5:55 पे और 5:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। काला पीपल में ये ट्रेन जो है सुबह 6:10 पे पहुंचती है और 6:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 999 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी समाप्त कर लेती है यहां तक। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने 36वें स्टेशन पे पहुंचती है। इसका 36वां स्टेशन है वो है परभाटी में ये ट्रेन जो है सुबह 6:25 पे पहुंचती है और 6:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो सीहोर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 6:38 पे और 6:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1028 किलोमीटर के करीब जो है ये सोमनाथ से सीहोर मध्य प्रदेश की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उसके बाद जबलपुर एक्सप्रेस या सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है भोपाल के संत हिरदाराम नगर में पहुंचती है सुबह 7:28 पे और 7:23 पे वहां से रवाना 30 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। संत हिरदाराम नगर का जो स्टेशन कोड है वो है SHRN। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है भोपाल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7:50 पे और 8:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 15 मिनट का स्टॉप है। यहां पर भी इसका जो है इंजन जो है रिवर्स होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है विदिशा स्टेशन में पहुंचती है। विदिशा स्टेशन में ये सुबह 8:44 पे पहुंचती है और 8:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। गंज बसौदा में ये सुबह 9:14 पे पहुंचती है और 9:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 1160 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी समाप्त कर चुकी होती है यहां तक। उसके बाद ये ट्रेन जो है मंडी भमौरा में पहुंचती है सुबह 10:16 पे और 10:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो बीना जंक्शन मध्य प्रदेश में 10:45 पे पहुंचती है और 10 बज के
55 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है उसके बाद ये खुरई स्टेशन में पहुँचती है सुबह 11:23 मिनट पे और 11:25 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। सागौर में यह दोपहर के 12:15 मिनट पे पहुँचती है और 12:20 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। पथरिया मध्य प्रदेश में ये दोपहर के 1:04 मिनट पे पहुँचती है और 1:06 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है दामोह मध्य प्रदेश में 1:30 मिनट पे पहुँचती है और 1:35 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1356 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी समाप्त कर लेती है। उसके बाद सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन कटनी मुरवारा में दोपहर के 3:40 मिनट पे पहुंचती है और 3:45 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। कटनी मुरवारा में ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और सोमनाथ से कटनी मुरवारा की जो दूरी है 1465 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होती है और कटनी मुरवारा का जो स्टेशन कोड है वो है KMZ। उसके बाद ये ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन में पहुंचती है जो कि इसका आखिरी स्टेशन है। सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जो वाया बीना होकर चलती है वो जबलपुर जंक्शन में शाम के 5:20 मिनट पर पहुंचती है और 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1557 किलोमीटर के करीब जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य और वीडियो सुनाओ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग? अगर आपने कभी भी इस ट्रेन में ट्रैवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप कुछ भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट कर सेक्शन में जरूर मेंशन करें और अपनी फेवरेट ट्रेन के बारे में भी मेंशन जरूर करके बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।